अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सबसे पहले तो खुशामदीद इस वीडियो के अंदर आने के लिए और इसको देखने के लिए। तो आज मैंने कोशिश की है थोड़ी सी हटके एक वीडियो बनाने की। जो मेरा एक रूटीन चैनल है उसको वैसे ही ऐसे दिल में एक बात आई, मैंने कहा चलो दूसरी एक कुछ गाड़ियाँ बेचने के हटके भी कुछ काम करना चाहिए। तो अभी मैं जनाब अली एक हटके टॉपिक से अपनी वीडियो बनाने लगा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत इन्जॉय जो है ना वो करने का मौका मिलेगा, और मैं समझूंगा कि थोड़ा सा जो मैंने काम किया है वो आपको पसंद आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए लाजमी, और देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जो है वो दबाइए और मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊं, वीडियोस के साथ आपके जुड़ा रहूं। और यही कहते हैं चले मैं कोशिश करता हूं कम से कम आपका टाइम जो है ना वो लूं। तो हम अपनी जो है ना वीडियो को जो है ना शुरू करते हैं। बेसिकली एक वीडियो है हमारी, मुख्तलिफ़ जो मीम्स होती हैं, मुख्तलिफ़ जो चैट्स होती हैं, उसके ऊपर लोग एक दूसरे को जो फिरकी लेते हैं एक दूसरे की, और एक दूसरे को जो है ना वो मज़े लेते हैं बातों बातों में। तो उस तरीके से कुछ ये कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट, अपना जो है ना वो सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी पहली जो है वो मीम है वो है हे बेबी, ये इसकी मीम है। और गुड मॉर्निंग, मुझे कुछ ऐसा बोलो जिससे मैं खुश हो जाऊं। तुम मेरी ज़िंदगी हो। ओह थैंक यू सो मच। और लानत है ऐसी ज़िंदगी पे। अच्छा है, यानी कि उसने बेबी को मतलब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खुश भी कर दिया है, और अपने जो दिल की जो एक कैफियत थी वो किसी दौर में छुपा रखी होगी वो भी जो है ना वो बता दी उस बंदे ने। इंटेलिजेंट माइंड है। हाँ तो दूसरी मीम क्या कहती है, बहुत हो गया अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, दफा हो जा कमीनी दूसरी पटा लेंगे हम। शायरी के अंदर जब आती है गेट लॉस्ट, आज के बाद मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना। अरे बेबी मजाक कर रहा था, बेबी रिप्लाई तो करो। सही है बाबा, ऐसे मजाक कर देते हैं ना और बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। अक्सर ऐसा मतलब देखने में आता है, ये चीज़ें देखने में आती हैं। अच्छा था। तीसरे में क्या कहते हैं कि भाई सुना तेरा ब्रेकअप हो गया। हाँ यार क्यों, तेरी वजह से क्यों भाई, कुत्ती तेरे कहने पर चेन गिफ्ट की थी इसलिए। अच्छा पक्का तूने सिल्वर की दी होगी चेन, गरीब। नहीं यार साइकिल की साइकिल की चेन दे दी भाई, ठीक है। सही है। अच्छा है। तीसरे की तरफ जाते हैं। हेलो भाई, हाय कैसा है, मस्त हूँ, तू सुना। यार थोड़ा पैसों की ज़रूरत थी। हाँ यार मुझे भी, कोई दे रहा हो तो बताना, हट साले भिखारी। सही। देखो आपसे जब कोई भी उधार मांगने की कोशिश करे या कोई इस तरह की चीज़ें आए ना आपके सामने, तो आप खुद एक ज़रूरतमंद बन सकते हैं। इस मीम से जो है ना वो एक आइडिया हो सकता है इस चैट से, कि आपको जब कोई उधार मांगे तो आप खुद बोलो यार मैं तो खुद जो है ना वो बड़ा परेशान हूँ, तुझे कहीं से ज़रूरत हो, कहीं से मिल रहे हो तो मुझे भी बता देना, हम मिल के करेंगे। अच्छा है ये, अच्छा है। हाँ जी आगे चलते हैं। भाई एक बात पूछूं तेरे से, बुरा तो नहीं मनाएगा।
पूछ यार, बिंदास पूछ। मैं ऐसा क्या करूं कि तेरी शादी के बाद मैं तेरी बीवी के साथ फिल्म देखने जाऊं और तू नाराज भी ना हो। मेरी शादी तो अपनी बहन से करवा दे, सही है। फिर तू चाहे गले में हाथ डाल के भी फिल्म देख ले, मैं नाराज नहीं होऊंगा। जबरदस्त जवाब, अच्छा है। ठीक है भाई, आइंदा अगर कोई इस तरह की हरकत करे या कोई मतलब एक रिश्ता जोड़ दिया उस बंदे ने पैनिक होने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय कि मेरी शादी अपनी बहन से करवा दे भाई, और फिर वाकई लॉजिक है, अपनी बहन के साथ जहाँ मर्जी तुम जा सकते हो, फिल्म देखने जा सकते हो, शॉपिंग करने जा सकते हो। हाँ आगे चलते हैं। और चाचा जिंदा है ना? हाँ। कहाँ रहता है? अभी तक तो इंडिया में, वीज़ा अप्लाई किया हूँ। कहीं जाने वाला है क्या? ख्वाबों की दुनिया में और क्या चल रहा है जिंदगी में? अभी तो एक्स सिग्नेचर चल रहा है, उसके बाद फॉग। जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा है अच्छा है। चलें जी, ये आज की हमारी कुछ मीम थी जिसको मैंने कहा कि चलो यार आपके साथ शेयर करता हूँ। बैठा हुआ था अकेला यार, अकेला बैठने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाया जाए, आप लोगों के साथ थोड़े से अच्छी अच्छी शुगर मिले की बातें शेयर की जाएँ। आप लोगों के भी यार दोस्त होंगे अपने सर्कल में, आपके यार दोस्त किस तरीके से आपके साथ बातचीत करते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं जनाब अली कोशिश करूँगा कि आपको फर्दन फर्दन जवाब देने की भी, और आपकी स्टोरीज के ऊपर कुछ ना कुछ बनाने की भी। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बगैर नहीं जाइएगा, और अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, फिर मानेंगे।